यहाँ पर जो है ना आईपीएल T20 वर्ल्ड कप मतलब कि जो भी होगा यहीं पर होगा। मशीन रखा हुआ है यहाँ पर भी जो है काम होता है और यहाँ का ढलाई होकर जो है अंदर जाती है। देखिए पीछे से आपको दिखा रहे हैं ये सारा जो है स्टेडियम का काम जो है अभी भी जारी है, काफी तेजी से हो रहा है। रात तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यस ब्लॉग में। दोस्तों आजकल जो है 29 तारीख को उद्घाटन होने वाली है, तो अभी हम हैं राजगीर के इंटरनेशनल स्टेडियम जो इस वीडियो के माध्यम से आपको और भी चीज़ दिखाने वाले हैं। बहुत लोग जो हैं खुल कर नहीं दिखाए हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, क्या क्या व्यवस्था है, कहाँ तक सीढ़ी बना है, क्या क्या मतलब हर चीज़ एक एक करके आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएंगे। और जो भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों आप लोग कीजिए, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद जो है ये वीडियो हम ला रहे हैं। और देख सकते हैं अभी हम स्टेडियम के अंदर हैं, देखिए आप। जैसा देख सकते हैं दोस्तों, जब यहाँ पर एंट्री करिएगा ना, तो ऊपर जाने के लिए जब दर्शक लोग जो फील्ड को जब मैच में देखते हैं, तो ऊपर जाने के लिए एक यहाँ पर सीढ़ी है जो हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सीढ़ी है और वहाँ पर भी सीढ़ी है और यहाँ पर देखिए ऊपर जो है ना सीढ़ी सीढ़ी है। तो अभी तो बन ही रहा है, आपको चारों तरफ दिखा दिए, आप चलते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाएंगे कि कैसा सीन लगता है आपको देखने में। इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ते हुए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए नीचे से का सीन देखिए यहाँ पर, और जब ऊपर चढ़ेंगे तब ये देखिए इस तरह का सीन दिखाई देगा, देख रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है दर्शक लोग को बैठने के लिए यहाँ पर सीढ़ी बना दिया गया है और चारों तरफ देख सकते हैं वहाँ पर देखिए फील्ड जो है बीचे बीच में देखिए जहाँ पर खेला जाएगा वहाँ पर अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन चारों तरफ देख सकते हैं तो सीढ़ी बना दिया गया है अभी, और बाकी है कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। देखिए जहाँ पर हम खड़ा है ये सबसे ऊपर में है, क्योंकि नीचे के भी देखिए दर्शक लोग को बैठने के लिए हर तरह का ये VIP हो गया, VIP के ऊपर सबसे लोअर जो है सबसे कम रेट वाला सबसे ऊपर का हो गया। दोस्तों हम आपको इतना अच्छा बेहतरीन वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि अंदर आकर इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर का दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर जो सीढ़ी पर बना हुआ है तो सीढ़ी के ऊपर ठीक बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में चलते हैं और आपको और भी अच्छा सीन दिखाई देगा, क्योंकि लाइट जो धूप पड़ रहा है दोस्तों यहाँ से करते हैं तो अंधेरापन चेहरा क्लियर नहीं आता है, सफाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो ना एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब जरूर बनता है, शेयर जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि 29 तारीख को जो ना उद्घाटन होने वाला है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अलग है ऊपर का सीढ़ी, अलग है सबका अलग अलग जो है सीढ़ी दिया गया है, और ये खासकर यहाँ पर नहीं है, चारों तरफ देख रहे हैं ना, चारों तरफ इसी टाइप का बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए और भी कंप्लीट मतलब ये जो है पूरा शीशा से कवर रहेगा, देख सकते हैं पूरा शीशा से कवर रहेगा। जब इसके अंदर आने दोस्तों जो बड़ा फ्रंट का जो आपको दिखाएं जो शीशा टाइप का बन जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, जब इसके अंदर आए तो देखिए कैसा दिख रहा है अंदर, मतलब आपको ये अजब टक्कर नहीं दिख रहा, जब बन जाएगा ना काफ़ी सुंदर काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, और क्या बन रहा है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बनने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए ये सीढ़ी के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ये देखिए ग्राउंड भाई, ये देखिए ग्राउंड, ये देखिए है ना चारों तरफ सीढ़ी, आपको दिखा दिए ऊपर चढ़ के भी दिखा दिए, चलिए इसके ऊपर चलते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं, ये फर्स्ट फ्लोर का सीन देखिए, सारा चीज़ टाइल्स से लग गया है, देख रहे हैं ना टाइल्स से लग गया है, ग्रीन पर्दा लगा है कि दिखाने दे, ये देखिए चलते जाएंगे दिखते जाएगा, मतलब कि नाइट में भी काम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिन में काम होता है, नाइट में भी काम होता है। सीढ़ी के ऊपर चढ़े हैं और सीढ़ी के ऊपर में सेकेंड फ्लोर में देखिए, अभी सेकेंड फ्लोर में भी टाइल्स नहीं लगा है, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है लेकिन बनेगा देखिए, है ना
अभी कुछ बना नहीं, देखिए टाइल्स नहीं लगा है, ये लगेगा जैसा फर्स्ट फ्लोर में था उसी सेकंड फ्लोर में बनेगा। तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दिखा दिए हैं, फर्स्ट फ्लोर में जो है टाइल्स लग गया है लेकिन सेकंड फ्लोर में अभी टाइल्स नहीं लगा है क्योंकि अभी भी कुछ काम बाकी है। और थर्ड फ्लोर में दोस्तों अभी देखिए लोहा का बैरियर सब कुछ लगा हुआ है क्योंकि ढलाई नहीं हुआ, वो भी काम बाकी है, उसका काम होने के बाद ही यहाँ पर टाइल्स लगेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है लिफ्ट रहेगा, देखिए यहाँ पर जो है 1 और 2 दोनों तरफ लिफ्ट रहेगा। तो हम चारों तरफ दिखा दिए हैं और हम आ गए हैं बीच बीच में जहाँ पर देख सकते हैं एकदम पीछे पीछे मतलब कहा जाना पीछे जहाँ पर बनेगा वहाँ पर आपको खड़ा होकर दिखा रहे हैं। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाते हैं चारों तरफ, देखिएगा देखिए ये जो ना सीढ़ी बना, अभी तो भाई सूर्य का लाइट जो ना जिसके वजह से पूरा क्लियर नहीं दिखा देता लेकिन सीढ़ी पर चढ़ के आपको दिखा दिए हैं और उसी के ऊपर जो ना आपको दिखा देंगे क्या क्या कंप्लीट हुआ है, क्या बाकी है, कहाँ तक टाइल्स लगा है। और ऊपर जो कवर जो दिखाई दे रहा है ये सारा जो है शीशा से कवर हो जाएगा। और ये देखिए सीढ़ी, ये भी रास्ता है, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता, चारों तरफ देखिए रास्ता है, रास्ता है, बीच में पिच रहेगा खेलने के लिए। और यहाँ पर देखिए सीढ़ी है, देख सकते हैं सीढ़ी जो है कंप्लीट हुआ है और भी बाकी है। और देखिए क्या हाल हो गया मेरे पैर का, पूरा मट्टी मट्टी किच किच हो गया दोस्तों। आपके लिए देखिए क्या क्या करना पड़ रहा है हमको कि दिखाएँगे आपको, देखिए सारा वीडियो दिखा दिए हैं इस पिच के अंदर, स्टेडियम में ज़्यादा सीढ़ी बना है कहाँ तक क्या कंप्लीट हुआ है सारा चीज़ दिखा दिए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और भी दिखाते हैं कि और भी क्या क्या काम बाकी है। चलिए क्योंकि इधर करते हैं ना तो लाइट की वजह से इधर अंधेरा जाता है, तो इसीलिए धूप के सामने फेस जो ना लाइट क्लियर आना चाहिए, आप लोग को भी लगना चाहिए, तो कहिएगा कि काला काला दिख रहा है। तो चलिए और भी दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। दोस्तों आपको अंदर दिखा दे, देखिए बाहर का सीन दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो क्वार्टर है यहाँ मजदूरों को रहने के लिए व्यवस्था है। देखिए एक एक रूम जो है यहाँ पर नहा भी रहे हैं, तो अभी अपने काम से होने के बाद जो है देखिए हम तो देख सकते हैं दोस्तों आपको पीछे से काम दिखा रहे हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन का मशीन रखा हुआ है, यहाँ पर भी जो है काम होता है और यहाँ का ढलाई होकर जो है अंदर जाती है। देखिए पीछे से आपको दिखा रहे हैं ये सारा जो है स्टेडियम का काम जो है अभी भी जारी है, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, रात में भी काम होता है, दिन के भी काम होता है, 12 मतलब 24 घंटे काम होते रहता है। और यहाँ पर देखिए अभी भी सीढ़ी जो है बिखरा हुआ है, यहाँ जाकर वहाँ अंदर जाकर सेट होती है, यहाँ पर भी सामान बिखरा हुआ है, यहाँ से भी सेट होकर जाती है और अंदर भी काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी काम होता है, मतलब सारा जगह जो है काम होते ही रहता है, काम रुकता नहीं दोस्तों, सब जगह काम होते रहता है। देखिए गाड़ी लगा हुआ है, सारा काम होते रहता है। आपको अंदर दिखा दिए हैं क्या काम हुआ है क्या बाकी है, ये आपको बिलीव नहीं होगा कि सारा चीज़ जो है एक एक करके दिखाएं। और ये जो बड़ा सा जो ग्राउंड दिख रहा है ये पार्किंग रहेगा दोस्तों, अभी तो पानी आया हुआ है लेकिन जब बन जाएगी ना ये पूरा साफ सफाई क्लियर कर दिया जाएगा, और ये पूरा जो है पार्किंग है। और पार्किंग होने के बाद जो है यहाँ पर जो कचिया रोड है ये पकिया रोड बना दिया जाएगा, और तो मेन रोड है ही है, ये सारा चीज़ जो है ये कम्प्लीट हो जाएगी, कम्प्लीट मतलब कि एक साल तक हो जाएगी कम्प्लीट, लेकिन उद्घाटन जो है ना 29 तारीख को। तो मेरे भाई कैसा लगा अंदर का अपडेट वीडियो, क्योंकि आपके लिए खास कर ये हम वीडियो बनाए हैं। और दोस्तों कहा जाना तो अंदर जाने का अलाव नहीं है, तो फिर भी हम कोशिश करके आपको वीडियो दिखाए हैं राजगीर में स्टेडियम का कहां तक कंप्लीट हुआ है, कहां तक बना है और कहां तक और भी बन रहा है वो भी दिखा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो काफ़ी आपको, अगर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।